एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से मैं लाया हूँ इंडियन नेवी SSR-AA-MR का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है sin 12, sin 48, sin 54, तीनों मल्टीपल में है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। आप देख पा रहे होंगे वैल्यू है sin 12, sin 48, sin 54। हम इसको क्या किए, पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किए। ऐसा करने से फार्मूला बन गया 2 sin A into sin B। इसका फार्मूला होता है cos B - A। cos B - A मतलब क्या, 48 में से अगर 12 घटाएंगे तो 36 माइनस cos A + B, यानी कि 48 12 60, और इंटू साइन 54 तो रहेगा ही रहेगा। फिर 1/2 cos 36 का cos 36, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 54। अब हम इसका वैल्यू अब सबको क्या किए, साइन 54 से गुना करा दिया। तो 1/2 cos 36 को और 54 को गुना कराएं तो, अच्छा ये एक मिनट, इसका हम साइन 54 को भी कोरिलेट कर सकते हैं कोस 36 में, क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 54 के जगह पे कोस 36 लिख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब बनेगा 1/2 cos 36 cos 36 कोस स्क्वायर 36, 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 1/4 और कोस 36। अब कोस 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, और स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस 1/4। कोस 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, तो इसको ऐसे छोड़ दिए और सबको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आंसर 1/8। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 1/8। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ABC का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कोस A का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये ज्योमेट्री में फार्मूला बेसिस है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ए और बी और सी का वैल्यू दिया है और हमको एंगल, ए का एंगल चाहिए कोस के साथ। तो फार्मूला होता है कॉस ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉस ए B² + C² - A² / 2BC। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद आएगा 7/8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस्ड था। तो देख लीजिए 7/8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि टेन इनवर्स वाई के मान के बराबर नहीं है। कौन बोल रहा है कि नहीं हो सकता है वैल्यू। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि फार्मूला, पहला तो फार्मूला होता है टेन इनवर्स में, यानी कि ये तो फार्मूला है और बोल रहा है कि बराबर नहीं है, तो ये तो इसके बराबर हो ही जाएगा, कोस इनवर्स में भी हो ही जाएगा, साइन इनवर्स में बराबर, यानी कि 2 tan inverse x का ये तीनों फार्मूला होते हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं होता है तो ये बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन एच ब्रैकेट में कोस एच इनवर्स एक्स का मान इनमें से क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल जो बोल रहा है साइन एच ब्रैकेट में कोस एच इनवर्स एक्स है, इनवर्स ट्रिगो का सवाल है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन के अंदर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अगर माइनस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, √cos²θ - 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √sin θ, ये थीटा हम इसको माने हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, उससे हम ये फार्मूला निकाल चुके हैं। तो थीटा के जगह पे है कोस एच इनवर्स एक्स, इसको अगर इसके अंदर में डालेंगे तो कोस एच स्क्वायर अंदर में कोस एच इनवर्स एक्स माइनस 1 बनेगा, और इसका वैल्यू 1 होता है, कोस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, इसलिए एच का स्क्वायर और एच ही का इनवर्स है, तो यहाँ बनेगा एक्स x² - 1, और रूट तो रूट रहेगा ही रहेगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले ए लगाना था कि इसको साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करने के बाद कोस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ये फार्मूला पुट करना था तो आएगा √x² - 1। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, √x² - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देख पा रहे होंगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले आप 29 को पकड़ सकते हैं, फिर इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर -26 लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर 22 को कैलकुलेशन कर सकते हैं 22 को लेकर, और फिर जो चारों में ऑप्शन होगा उसको हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे। फिलहाल एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम लोग
अप्लाई करने वाला बोल सकते हैं कि कॉलम और रो को अप्लाई करके बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये डिटरमिनेंट था, हमने क्या किया पहले कॉलम वन में ऑपरेशन किया, कॉलम वन में से कॉलम टू को घटाया। तो कॉलम वन ये है और कॉलम टू ये है, इसमें से इसको अगर घटाया तो 29 में से 26 गया 3, 25 में से 31 गया माइनस 6, ऐसे करके C1 में ऑपरेशन किया, फिर C3 में ऑपरेशन किया, वो C3 माइनस C2, C3 में से C2 को घटाया तो ये मिला ऑपरेशन। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इससे माइनस 4 को कॉमन करा लिया, और इससे मैंने कॉलम 1 से 3 को कॉमन कर लिया, कॉलम 3 से माइनस 4 को कॉमन किया, जो डिटर्मिनेंट बचा अब यहाँ है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक बार 1 को आगे रखा, फिर अंडर में जो सॉल्यूशन था उसको किया, फिर माइनस 26 को पकड़ा, फिर सॉल्यूशन किया। ऐसे करने के बाद सबको अगर ये माइनस 12 है, इसको अगर पूरा को कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर आएगा 132, ये 3 लिखा हुआ है तो 132 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में 132 है कि नहीं, तो 132 ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो आप डिटरमिनेंट को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें पी इनवर्स निकालना है, यानी कि ये आपको दिख पा रहा होगा ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये पी का एक मैट्रिक्स है और हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो बिल्कुल अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये भी फार्मूला बेस्ड है। पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला होता है एडजॉइंट पी बटा मोड ऑफ पी, यानी कि पी का डिटरमिनेंट। तो चलिए पी का पहले पी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 3 × 6 = 7, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस देगा, तो ये इसका पी का डिटरमिनेंट का वैल्यू हुआ 7। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट तो आप लोग सीखे ही होंगे कि अगर 3 को पकड़ेंगे तो क्या आया 2, सॉरी यहाँ इसका एडजॉइंट निकालना है तो 2 के जगह पे क्या बचेगा तो 3, और 1 के जगह पे क्या आएगा तो -1, और -1 के जगह पे क्या आएगा तो 1, और 3 पे अगर पकड़ेंगे तो इसको कैंसिल करेगा बचेगा 2। तो ये एडजॉइंट पी है, तो एडजॉइंट पी को अगर हम मोड ऑफ पी से डिवाइड करेंगे तभी तो मेरा मिलेगा पी इनवर्स। तो पी इनवर्स निकालने के लिए जो एडजॉइंट मिला है उसमें P का डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिए, मतलब कि 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा P इनवर्स मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि P इनवर्स कौन सा ऑप्शन है। तो आंसर आएगा 3/7, 1/7, -1/7 और 2/7, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का फार्मूला कौन सा हो सकता है। तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, a माइनस बी का फार्मूला a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, तो राइट आंसर बनेगा a में से b की घटाएंगे तो हमको वही मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड का वैल्यू दिया है और हमको चाहिए, यानी कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित करता है, और 2+√3i दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि जेड और जेड का बार का मान कितना होगा। तो जैसे बार का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट के आगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। मान लिया कि जेड का वैल्यू दिया हुआ है 2+√3i, तो हमको तो चाहिए जेड और जेड डैश का मल्टीप्लाई, जेड बार का मल्टीप्लाई। तो पहले जेड बार निकालते हैं, तो जेड बार कैसे निकालते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट के अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिया जाता, अगर यहाँ माइनस रहता तो जेड बार में हम लोग प्लस लिख देते। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो जेड की जगह ये रखा और जेड बार का जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पर रखा और सब दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, और हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इसमें इसका भी जरूरत पड़ेगा, आयोटा 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 स्क्वायर बना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 3 = 7 बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में क्वेश्चन में देखते हैं, एक एपी बना रहा है, इसका 23वां पद चाहिए। तो जितना पद चाहिए तो उसका फार्मूला है एक कम करके डी का फार्मूला, यहाँ पे एपी बना रहा है 7531 ऐसे करके 23वां पद चाहिए। तो 23वां पद के लिए जब भी निकालना होगा तो ए प्लस 22d फार्मूला लगता है, अगर यहाँ पे 20वां पद पूछता तो a प्लस 19d फार्मूला लगाते हैं, तो एक कम करके d लगाया जाता है, तो a प्लस 22d। और ये यहाँ से आप सवाल देख पा रहे होंगे तो a का वैल्यू 7 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो -87, तो -87 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, -37 सॉल्यूशन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। h, p तथा q का हार्मोनिक मीन है, APGP HP पढ़ा होगा आपने, तो हमको निकालना है h/p + h/q का वैल्यू। तो सवाल यहाँ दे रखा है कि h जो है p और q का HP है, हार्मोनिक मीन है, तो जब हार्मोनिक मीन है और हमको निकालना है वैल्यू h/p + h/q का, जब हार्मोनिक मीन रहता है तो इसका p जिसका जिसका है तो
इसका व्युत्क्रम 1/p, इसका व्युत्क्रम 1/q का सम जो होता है वो एच के व्युत्क्रम के दोगुना होता है। तो एच का व्युत्क्रम करके 2 से गुना कर दिया तो 2/h बना। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एच अगर ऊपर जाएगा तो दोनों में एच एच आएगा, यानी कि एच बाई पी एच बाई क्यू, और इसका वैल्यू कितना बनेगा 2। तो राइट आंसर इसका बनेगा 85 का 2 नंबर ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 85 का 2 नंबर ऑप्शन कहाँ है। तो 85 का 2 नंबर ऑप्शन पहला सवाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का मूल है, तो समीकरण क्या होगा जिसका मूल 1/α और 1/β है। तो अब सवाल दिया हुआ है कि एक समीकरण है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और हमको ऐसा समीकरण निकालना है जिसका 1/α और 1/β रूट्स है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले जो समीकरण दिया है उसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालते हैं तो क्या बनेगा इस समीकरण से, -2/1 यानी कि -2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी कि 1/1 आएगा। फिर हम इससे इक्वेशन से 1/α और 1/ हमको फाइंड इक्वेशन करना है, यानी कि इक्वेशन का मान ज्ञात करना है जिसका दो रूट होना चाहिए 1/α और 1/β। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या 1/α और 1/β का वैल्यू क्या होगा। तो 1/α और 1/β का जो वैल्यू होगा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बटा अल्फा बीटा, और इसका वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो 1/α प्लस 1/β का जो मान होगा वो -2 के बराबर होगा। अगर उसी तरह से 1/α इंटू 1/β कराएंगे तो 1 बनेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है तो 1/1 ही होगा। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं तो फार्मूला जो बनेगा द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस दो रूट्स 1/α और 1/β है इसका सम इंटू एक्स प्लस 1/α इंटू 1/β इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, हम इसके पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। सेम सवाल था लेकिन वहाँ पे अल्फा और बीटा का रूट्स दिया हुआ था, किसी समीकरण का अल्फा बीटा रूट था, यहाँ पे 1/α 1/β है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में राइट जो आंसर होगा, ऑप्शन में राइट आंसर दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 12 है, तो बाइनोमियल थ्योरम यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से ये चीज़ें सिद्ध हो जाएगा बोल सकते हैं। तो इसको बोल रहा है कि विस्तार रूप में लिखना है, विस्तार रूप में लिखने के बाद आपको बताना है कि दसवां पद क्या होगा। तो ऐसे सवालों में जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो सॉल्व ऐसे करते हैं, हमको चाहिए दसवां पद। तो दसवां पद के लिए फार्मूला जो होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर जेड एन माइनस आर इंटू ए के पावर आर। तो टी आर प्लस 1 का मतलब है कि हमको तो चाहिए दसवां पद, तो दसवां का मतलब है कि 9 + 1, यानी कि r का वैल्यू 9 और 1 तो कांस्टेंट है तो जोड़ेंगे, हमको दसवां पद के लिए चाहिए तो ये पूरा मिलकर के दसवां होना चाहिए। तो यहाँ पे r का वैल्यू 9 रखेंगे और प्लस 1 तो दसवां हो जाएगा। n का वैल्यू 12, क्यों, क्योंकि पूरा का होल पावर 12 है, तो ये n का वैल्यू होता है, तो n का वैल्यू 12 सी आर। आर का मतलब होता है कि यहाँ वाला, अगर हमको दसवां पद चाहिए तो एक कम करके आर का वैल्यू होता है, अगर हमको बारहवां पद पूछता तो 11 + 1 यानी कि यहाँ पे 11 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको दसवां पद चाहिए तो आर का वैल्यू 9 और जेड के पावर एन माइनस आर। तो जेड किसको बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को जेड बोला जाता है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर के पावर एन में से आर को घटाएं, ये 12 - 9। और उसके बाद ए के पावर आर फार्मूला होता है, तो ए क्या होता है, तो सेकेंड पार्ट 1/x के पावर r का मतलब 9। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जैसे ये कॉम्बिनेशन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का होता है कि फैक्टोरियल 12 बट्टा नीचे वाला जो फैक्टोरियल r रहता है उसको, और दोनों को घटाने के बाद 12 में से 9 गया 3 का फैक्टोरियल, इंटू 2 के पावर x 2x स्क्वायर के पावर 12 में से 9 गया 3 और 1/x के पावर 9, इसका मतलब है कि 1/x के पावर 9 आएगा। इसको पूरा वो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा 1760/x³। तो चलिए देखते हैं 1760/x³ कौन सा इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, वो क्वेश्चन है कि log base of 3 log of 5 to the base 3
इंटू लॉग ऑफ 27 टू दी बेस 25, 25 बेस है और इसको हमको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट मरतबा लॉग 5 3 के बेस पे निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ा। लॉग 25 है तो 25 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर और 27 को लिखा 3 का क्यूब। और फिर हम लोगों जो ने फार्मूला लिखा कि अगर बेस और पावर, बेस और जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे लॉग 5 टू दी बेस 3 है तो ऊपर भी लॉग 5 नीचे भी लॉग 3 तोड़ सकते हैं। उसको ऐसे तोड़ा तो क्या मिला, लॉग 3 के पावर 3 अपॉन लॉग 5 के पावर 2। और जब भी पावर रहता है तो उसके साइड में बाजू में चला जाता है, तो 3 लॉग 3 बनेगा और यहाँ 2 लॉग 5 बनेगा। तो लॉग 5 से लॉग 5 घटा तो बच गया ऊपर 3/2। तो ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 3/2। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3/2 कौन सा है, तो 3/2 ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी के शीर्षों के नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का 5, 2, -7, 4 और उसका सेंट्रोइड का वैल्यू दिया है -2 और 3। तो हमको एक अगला यानी कि तीसरा वर्टिसेस के ट्रायंगल के 3 वर्टिक्स होते हैं, 2 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हमको एक वर्टिसेस का निकालना है कोऑर्डिनेट्स जबकि उसका सेंट्रोइड का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है और सेंट्रोइड का वैल्यू दिया है, और हमको ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट तीसरा वर्टिसेस है ट्रायंगल का, इसका वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि जो सेंट्रोइड का फार्मूला बनता है वो तीनों एक्स एक्सिस के सम को और 3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ सेंट्रोइड का वैल्यू क्या है, -2 लिखा और तीनों को एक्स एक्सिस को जोड़ेंगे तो 5, -7 और x/3। और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा, सॉरी इसको एक पार्ट तरफ सॉल्व किया गया है तो -3 को -2 से -6 और इस तरह से x का वैल्यू आएगा -4। उसके बाद अगर हमको सेंट्रोइड में y का जो वैल्यू होता है वो y कोऑर्डिनेट के सम को 3 से डिवाइड किया जाता है, तो y का सेंट्रोइड में y एक्सिस का वैल्यू कितना है, y का 3 दिया हुआ है। और इसमें वर्टिसेस देखेंगे ट्रायंगल का तो 2, -4 सिर्फ y वाला देखेंगे और y, तो ये तीनों का जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो y का वैल्यू होगा। और हम x और y किसका वैल्यू मान चुके हैं, तो ट्रायंगल का वर्टिसेस का, तो x और y का वैल्यू जो आएगा वो -4 और 11 आएगा। इसका उल्टा भी दे सकता है जिसके हम लोग पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन देखे हुए थे कि ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा और हमको सेंट्रोइड का वैल्यू चाहिए, तो सेंट्रोइड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तीनों वर्टिसेस के एक्स एक्सिस को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्ट ऑफ सेंट्रोइड। और अगर वाई का सेंट्रोइड का वाई पार्ट निकालना होगा तो वाई वाले को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर देख पा रहे होंगे वृत्त दिया हुआ है, उसका समीकरण दिया है सर्किल का 3x² + 3y² - 12x + 15y - 23 = 0 और बोल रहा है कि हमको सेंटर का क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक सर्किल का इक्वेशन देकर हमसे पूछ रहा है कि उस सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो चलिए अब हम इस, ये भी फार्मूला बेस्ड है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये वृत्त का कोई भी वृत्त का दिया रहेगा और वृत्त का जो फार्मूला होता है वो x² y² - 2gx, 2gx और 2fy + c 0 के बराबर होता है। तो हम पहले क्या किए, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में चेंज किए x² और y² के फॉर्म में, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसलिए क्योंकि x² और y² बन सके, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ पे 3 चौके 12, 3 5 15 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो -23/3 बनेगा और यहाँ 0 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x के जो गुणांक होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, वो 2g के बराबर होता है, तो 2g = -4 मिला। और जो y के कोएफिशिएंट होता है वो 2f के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा, फार्मूला होता है x² + y² + 2gx + 2fy ± constant = 0। तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं है, हमको ये सेंट्रोइड मिलता, सेंटर मिलता है सर्किल का, तो g का वैल्यू -2 मिला और f का वैल्यू मिला 5/2। तो जो केंद्र होता है, केंद्र का जो वैल्यू होता है -g - f होता है, तो इसको अगर हम माइनस से मल्टीपल करेंगे तो 2 और ये होगा -5/2।
जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो 2 - π/2 बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा 2 - 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1। नेक्स्ट है समीकरण पाराबोला का दिया हुआ है। इस बार पाराबोला का समीकरण देखिए, हमसे एक अक्ष का समीकरण पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पाराबोला में आप कॉन्सेप्ट को समझिए, पाराबोला का समीकरण जैसा कि दिया हुआ है सवाल में देखें, ये पाराबोला का समीकरण है। हम यहाँ पे फार्मूला जो होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है फार्मूला। पाराबोला का फार्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए क्या किया, 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 - 4 तभी तो 5 होगा। ऐसा करने से ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y + 9, और -4 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2x + 4। ऐसा करने से ये y + 3 का होल स्क्वायर बनेगा, और बराबर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 × x + 2। अब पाराबोला के लिए क्या फार्मूला चाहिए, ये तो y + 3y का रोल निभा दिया क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 4ax चाहिए, तो इसके जगह पे 0 होना चाहिए। पाराबोला के लिए y का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो y का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -3। तो यही सिर्फ मेरा हो गया एक एक्सिस का, एक अक्ष का समीकरण, तो y बराबर -3। इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो y बराबर -3 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इलिप्स का दिया हुआ है, इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। इलिप्स का इक्वेशन दे दिया है, समीकरण दे दिया है, और हमें लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं किसी भी इलिप्स के इक्वेशन से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, x²/100 + y²/75 = 1। हमें इसका लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए आप देख पा रहे होंगे नीचे होता है x²/a²y²/b², लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे 100 है, तो ए का वैल्यू हम लोग 10 लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर का वैल्यू 75 है, और हमको लेटेस्ट रेक्टम का जो फार्मूला होता है वो होता है 2b² / a। तो 2 का तो 2 रहेगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 75 और ए का वैल्यू 100, ए का वैल्यू 10, क्यों 10, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू 100 है, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो 10 बनेगा, और इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर बनेगा 15, काटने के बाद 15। तो चलिए देखते हैं इसमें 15 नंबर कौन सा होगा, तो 15 बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स एक्सिस दो अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का, और इसके बीच का हमको कोण चाहिए। तो कोण के लिए फार्मूला जो बनता है वो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। तो दो इक्वेशन है वो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ले लेंगे दोनों का, और फिर वेक्टर फॉर्म के डॉट प्रोडक्ट से हम लोग इसके बीच का एंगल निकालेंगे। तो पहला जो बनेगा 3, 4, 5 बनेगा, और दूसरा एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट बनेगा 4 - 3 और 5। तो चलिए अब कोस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है दोनों जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 3, 4, 5, 4 - 3, 5, और दोनों का मॉडुलस, इसका मॉडुलस करेंगे तो 3 * 9 = 16, 25 = 9 और 25। तो ये दोनों का जो भी दोनों अलग अलग इक्वेशन रहेगा ये दोनों का मॉडुलस निकालते हैं। तो इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 * 12 - 5 * 25 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा 25/50 जो कि 1/2, और कोस थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो π/3 होना चाहिए, क्योंकि कोस 60 का वैल्यू ही तो 1/2 होता है, और 60 को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 इज करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्स जेड के तल का समीकरण क्या होगा। तो एक्स जेड के लिए वाई का वैल्यू 0 होगा, एक्स जेड में वाई का वैल्यू 0 होता है, ये तो बेसिकली प्रॉपर्टीज है, चाहे वेक्टर पढ़ रहे हो चाहे 3D पढ़ रहे हो। तो एक्स जेड तल का समीकरण जो होगा प्लेन के लिए वाई का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर में i⃗ + 2j⃗ + 3k⃗, और बी का वेक्टर दिया हुआ है -3i⃗ - 2j⃗ और + k⃗, और बोल रहा है कि इसका एरिया संगत भुजाएं दे दिया है, तो इससे क्षेत्रफल यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, आप करना क्या होगा कि ए क्रॉस बी निकालकर उसका मॉडुलस निकालना होगा बस। तो ए और बी का वैल्यू दे चुका है, और इससे हमको निकालना है दोनों के बीच का
एरिया, तो ए का वैल्यू आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों के बीच में एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना है बस। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस नहीं सर, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मॉडुलस भी बोल सकते हैं। तो आई जे के जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वन टू थ्री, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये वेक्टर फॉर्म में आता है, चूँकि हमको चाहिए इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालते हैं। तो जो अब क्रॉस करने के बाद आया है उसका करेंगे, तो यहाँ पे आया है टू एट, तो एट का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और यहाँ पे आया है 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16, चार का 10 का 100 और 4 का 16, तो इस तरह से 180 आएगा रूट अंडर में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके बनाएंगे, तो यहाँ बनेगा 6√5 इज करेक्ट आंसर। यानी कि हमको अगर कोई भी दो वेक्टर देखकर अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो दोनों को क्रॉस का वैल्यू निकालिए, फिर बाद में उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, यानी कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाई का वैल्यू दिया है कॉट इनटू कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन है वाई का वैल्यू दिया हुआ है हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप प्लीज़ सेट वन की वीडियोज़ को देखें, एकदम सिंपल यही हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टी मानकर डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहां पे चैन रूल कैसे लगाते हैं। तो ऐसे सवालों को प्लीज़ एकदम हूबहू सवाल है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं एकदम हूबहू यही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है इसके पिछले सेट में, तो आप प्लीज़ सेट वन की वीडियोज़ को देखें कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डिफ्रेंशिएट किए थे बाय अकॉर्डिंग चैन रूल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई का वैल्यू दिया है टेन एक्स प्लस सेक एक्स, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। वाई का वैल्यू टेन एक्स और सेक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है टेन एक्स प्लस सेक एक्स, तो हमको इसका डिफरेंशिएट निकालना है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि tan x का अगर बात करें तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर होता है और sec x का sec x इंटू tan x होता है, और sec स्क्वायर x को हम लोगों ने लिखा 1 बाई cos स्क्वायर x, और sec x को 1 बाई sin को भी, tan को भी तो sin बाई cos लिख सकते हैं और sec को भी 1 बाई cos लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बना साइन एक्स बटा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, और दोनों को अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक कटेगा, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ऐसा देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, 1 बटा 1 माइनस साइन एक्स, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 250 बटा एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है कि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको बोलते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए, न्यूनतम मान। तो ऐसे सवालों में हम लोग किसी भी इक्वेशन को जो दिया रहेगा एफ एक्स का वैल्यू, उसका अगर मिनिमम निकालना होगा चाहे मैक्सिमम निकालना होगा, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ निकलेगा 2x, यहाँ निकलेगा 250 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे। यानी कि कोई भी फंक्शन का अगर हमको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट टाइम में आपको करना है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, उसको भी जीरो के इक्वल करना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा माइनस 250 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का बनेगा माइनस 2 बटा एक्स की पावर 3 नीचे में, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस 3 बन जाएगा। और यहाँ से आप अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यू का वैल्यू माइनस 250 आएगा, जो कि नॉट एग्जिस्टेंस होगा, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनिमम या मैक्सिमम डिसाइड करने के लिए जो ये एग्जिस्ट कर रहा है एक्स का वैल्यू, उसी को वैल्यू हम लोग फंक्शन में रख देंगे। यानी कि फंक्शन क्या था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 बटा एक्स था। अब यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू 5 रख देंगे, जिसका वैल्यू का एग्जिस्टेंस रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसी का वैल्यू न्यूनतम या अधिकतम के लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ तो नॉट एग्जिस्ट था, क्योंकि एक्स क्यू का वैल्यू माइनस 250 आ गया, जो कि संभव नहीं हो सकता है। इस तरह से एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25
और 250 बटा 5। तो इसको यहाँ पे फिर से अगेन सॉल्यूशन किया x के पहलू x बराबर 5 पे, तो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा 25 और 250 बटा 5, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा राइट आंसर 79। तो आप देख पा रहे होंगे 79 ऑप्शन में, तो 75 है, क्योंकि यहाँ से फिर से आप देख लीजिए दोबारा से, 25 प्लस 50 75 आएगा, 50 और 25 वो गलती से मेरे को दिख गया, तो यहाँ पे 75 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट, और आप बिल्कुल कैलकुलेशन को रिवीजन करके जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन सवाल आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमको इंटीग्रेट करना है 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टेप वाइज सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक इंटीग्रेशन है 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, 1+1 माइनस साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट किया, 1 है और माइनस साइन एक्स को कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा। ये फार्मूला होता है कि साइन एक्स अगर माइनस में है तो उसको हम लोग प्लस में कन्वर्स पाई बाई 2 जोड़कर हम एंगल में लिख सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर और जो एंगल है वो, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का मतलब है पाई बाई 4 और एक्स बाई 2 और डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो करना ही करना है। तो चलिए फिर देखते हैं, फिर हम लोगों ने क्या किया, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाला, 1/cos स्क्वायर को लिखा sec स्क्वायर और एंगल में तो रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ से हम लोगों ने पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 को, यानी कि जो इसके एंगल में था उसको हमने टी माना, टी मानने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी आया। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 2/a इंटू डी टी। तो अब यहाँ से तो डी एक्स का वैल्यू पता चल गया। अगेन हम चलते हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन में, तो 1/2 तो बाहर था, उसके बाद 2/a, क्योंकि डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी एक्स का वैल्यू 2/a dt है, तो 2/a यहाँ डी एक्स के जगह अगर डालेंगे तो 2/a भी तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिया और इसके जगह पे dt, और पूरा को हमने माना था इसको t, तो sec स्क्वायर t और dt बना, और sec स्क्वायर t dt का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो tan t होता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल बना, तो 1/a sec स्क्वायर t dt का वैल्यू 1/tan t, और t हम जिसको माने थे उसको यहाँ पे रख दिए, यानी कि t का जो वैल्यू माने थे वो पाई बाई 4 और x बाई 2 माने थे, यहाँ पे रख देंगे तो ये मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, प्लस c तो जोड़ना रूल है क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो चलिए आप आंसर देख लीजिए, आंसर है 1/a tan पाई बाई 4 प्लस ax बाई 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एंड लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, लिमिट बैठा हुआ इंटीग्रेशन में 0 to 1 है और साइन इनवर्स 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिमिट देख पा रहे होंगे 0 to 1 है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए 0 to 1 लिमिट है, साइन इनवर्स है, 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है। तो हमने पहले माना x के जगह पे tan t पुट किया, तो जैसे ही x के वैल्यू जगह tan t पुट करेंगे तो 2 tan t 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो अगर ऐसा करने से ये बन जाएगा sin 2t का फार्मूला, और sin इनवर्स sin 2t बनेगा, यानी कि अगर हम लोग या x के जगह पे tan t यहाँ पुट करते हैं और यहाँ भी tan स्क्वायर t पुट करेंगे, वो बन जाएगा sin 2t का फार्मूला, और sin 2t का फार्मूला को अगर sin इनवर्स के अंदर रखेंगे तो उसका वैल्यू 2t बन जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स sin x x देता है, तो इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे रखा साइन इनवर्स साइन 2t, क्योंकि अंदर बन जाएगा साइन 2t का फार्मूला अगर इसके जगह पे अगर x का वैल्यू tan t रखेंगे तो, और इनटू sec स्क्वायर t dt कहाँ से, तो क्योंकि dx का वैल्यू अगर हम इसको t माने हैं तो dx का जो वैल्यू देगा वो sec स्क्वायर t dt देगा, क्योंकि जिसको हम माने हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट भी कराए हैं, तो dx का जो वैल्यू देगा वो sec स्क्वायर t dt देगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। नेक्स्ट जो वैल्यू होगा, अच्छा ये लिमिट भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि x का वैल्यू जीरो रखने पे, x का वैल्यू जीरो रखा तो t का भी वैल्यू जीरो होगा, और अगर अपर लिमिट एक था जीरो से एक, तो अगर x का वैल्यू अगर 1 रखा तो t का वैल्यू पाई बाई 4 होगा, क्योंकि tan 45 का ही वैल्यू तो 1 होता है। तो अब लिमिट भी चेंज हो गया, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 4, और sin इनवर्स sin 2 2t दे दिया, sec स्क्वायर t और यहाँ से dt।
तो अब 0 से पाई बाई 4 और 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाला तो यहाँ बन गया टी सेक स्क्वायर टी डी टी। यहाँ के बाद आप देख पा रहे हो कि एक इलेट रूल है, यानी कि अगर कोई डिफरेंशिएशन के अंदर कोई भी फंक्शन अगर मल्टीपल में है और उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा तो इलेट रूल के हिसाब से इसको मल्टीपल वाला इंटीग्रेशन फार्मूला लगा सकते हैं। तो 2 सबसे पहले बाहर है तो 2 को बाहर किया, फार्मूला होता है t इंटू सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t बनेगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई बाई 4। उसके बाद माइनस, माइनस करने के बाद सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t और dt, क्यों, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन तो 1 बनेगा, तो 0 से पाई बाई 4 tan t इंटू dt, 0 से पाई बाई 4 लिमिट 2, और यहाँ पे t का वैल्यू अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 को एक बार 1 और फिर 0 रखेंगे तो 0, यानी कि यहाँ पे पाई बाई 4 वैल्यू होगा इसका। आगे बढ़ते हैं तो tan t का जो वैल्यू होता है वो log cot t होता है और 0 से पाई बाई 2, यानी कि माइनस, ये माइनस खुद आ गया प्लस, तो 0 से पाई बाई 4 का tan t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log cot t होता है, और t का वैल्यू अगर यहाँ बारी बारी से रखाएंगे तो यहाँ बनेगा 2 into पाई बाई 4 प्लस t का वैल्यू एक बार पाई बाई 4 रखेंगे तो यहाँ बनेगा log 1 बाई रूट 2, और एक बार 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बना 2 into पाई बाई 2 प्लस log 1 बाई रूट 2। इसको हम लोग अब 2 से गुना कराएंगे क्योंकि 2 यहाँ बाहर है, तो 2 से 2 यहाँ कटेगा, पाई बाई 2 बनेगा और यहाँ बनेगा 2 log 1 बाई रूट 2, तो वो पाई बाई 2 प्लस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं log 1 बाई रूट 2 को डिवाइड में, क्योंकि log m बाई n होता है log m माइनस n, तो इसको लिख दिया log 1 माइनस log रूट 2, और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो अब जो बना वैल्यू पाई बाई 2 माइनस log 2, क्यों 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर इसका हम स्क्वायर कराते हैं आगे ले जाकर, क्योंकि m log n होता है log n के पावर m, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 आएगा तो यहाँ पे बनेगा log 2। तो इसको सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे पाई बाई 2 माइनस log 2 इसका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो सही है पाई बाई 2 माइनस log 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से सेट 2 का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, फिर मेरे साथ जुड़े रहे, हम अगले वीडियो में भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सेट 3 करके लाएंगे, फिर ऐसे ही सेट 4 करके लाएंगे। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत